नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई रिक्शा का जो है मोटर, उसमें तेल चला जाता है गियर ऑयल, तो वो कैसा हो जाता है। तो आप देखिए कि जी हमारा ये जो मोटर है, ये जिसमें गियर ऑयल लीकेज कर रहा था ऑयल सेल कट जाने से, तो ये देखिए हमारा मोटर कितना जो है तेल से गंदा हो गया और पूरा गियर बॉक्स जो है पूरा तेल से ढक चुका है। देख सकते हैं कितना गियर ऑयल कितना गंदा जम गया है गियर ऑयल के कारण। गियर ऑयल जो है इसमें लीकेज करता है और मोटर में भी हमारा गियर ऑयल घुस चुका है। तो मोटर में गियर ऑयल घुसने से जो है हमारा बहुत सा प्रॉब्लम आता है, मोटर टान घट जाता है। उसके लिए पहले हम जो मोटर का तार खोलेंगे, जो दिख रहा है यहाँ पर मोटर का कंट्रोल से जो जॉइंट तार है इसको हम लोग खोलेंगे। और जो है मोटर का तार को खोल के अलग कर लिए हम लोग, और जो है अब हम लोग जो है मोटर को खोल रहे हैं। और मोटर को खोलने के लिए दोस्तों अंदर तो घुसना पड़ता है। ये देख सकते हैं मोटर हम लोग नट खोल चुके हैं और मोटर को हटा रहे हैं गियरबॉक्स से। गियरबॉक्स से हम लोग जो है मोटर हटा लिए हैं और ये हमारा मोटर खुल चुका है और ये हम लोग मोटर निकाल चुके हैं। और मोटर हमारा जो है ये हमारा 48 वोल्ट का BLDC मोटर है। और जो है ये हमारा गियर बॉक्स में देख सकते हैं तेल के कारण कितना गंदगी जम गया है। हम जो मोटर अब इसको खोलेंगे क्योंकि इसमें अंदर में गियर ऑयल घुस चुका है। इस मोटर को खोलने के लिए पहले इसका जो है कवर हम लोग खोल चुके हैं और इसमें जो है फिर आपका मोटर का जो पंखा है जो फैन है इसको खोलेंगे। इसमें एक चांद लॉक रहता है उसको भी हम लोग खोल चुके हैं। अब पंखा को जो है हटा लिए। अब इसमें एलंकी बोल्ट जो रहता है मोटर में दोस्तों, ये एलंकी बोल्ट एलंकी से खुलता है, एलंकी से हम लोग मोटर के जो है इस बोल्ट को 5-6 बोल्ट रहते हैं दोस्तों, 5-6 को खोलना पड़ेगा तब जाके हमारा जो है मोटर का प्लेट खुलेगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग मोटर को खोलते हैं। मोटर में तेल घुस जाने से दोस्तों हमारा प्रॉब्लम जो आता है गाड़ी में, वो ऑयल लीकेज जो होता है दोस्तों, ऑयल लीकेज के कारण जो है हमारा मोटर में तेल घुस जाता है। और मोटर में तेल घुसने से हमारा जो है पहला प्रॉब्लम होता है टान घट जाता है, स्पीड घट जाता है। दूसरा दोस्तों कि हमारा जो है मोटर को जो कॉयल है वो जलने का चांस रहता है, और इसीलिए हमको गियर ऑयल का इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गियर ऑयल धीरे धीरे कॉयल को कमज़ोर कर देता है और उससे जो है कॉयल जल जाता है और हमारा मोटर ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग गियर ऑयल को निकालेंगे और इसको जो है पेट्रोल से हम लोग वॉश करेंगे, जिससे मोटर में जितना भी गियर ऑयल घुसा हुआ है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। और हम लोग जो नट बोल्ट जो खोल चुके हैं मोटर का, अब ये प्लेट हम लोग खोल रहे हैं। प्लेट जो है हम लोग अलग करेंगे मोटर से। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा मोटर खुल चुका है और इसमें जो है गियर ऑयल जो घुसा है हल्का फुल्का, जो हरा हरा जो दिख रहा है दोस्तों ये हमारा सेंसर है। सेंसर का वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। और देख सकते हैं गियर ऑयल चूरा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोटर से जो है गियर ऑयल निकल रहा है और इसी गियर ऑयल की वजह से हमारा मोटर का जो है कॉयल वो जल जाता है। मोटर में तेल घुसने के कारण बहुत सा दिक्कत आता है, जैसे टान घट जाता है, गाड़ी का जो टाने का पावर जो होता है वो कम हो जाता है और मोटर जलने का चांस रहता है। देख सकते हैं गियर ऑयल जो, ये गियर ऑयल जो काला हो चुका है बहुत, और ये घुस चुका था ऑयल सील के कट जाने से। और इसी कारण हम लोग जो है इस मोटर को अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग आगे का जो है ये प्लेट खोल रहे हैं। ये बहुत ही दोस्तों पावरफुल रहता है, बहुत जो है चुंबक की शक्ति रहता है इसमें, मैग्नेटिक पावर रहता है, तो उसको अच्छी तरह से निकालें नहीं तो हाथ पैर में चोट लग सकता है। इसको अच्छी तरह से निकालें। अब देख सकते हैं दोनों अलग हो गया है, इसमें गियर ऑयल कितना निकला हुआ है, ये हो गया डस्ट है ये मोटर का हमारा, जो गियर ऑयल घुस के काला हो चुका था। इसलिए हम लोग जो है देखिए कितना गियर ऑयल निकला हुआ है। हम इसको पेट्रोल से वॉश कर रहे हैं दोस्तों, ये पेट्रोल है, पेट्रोल से हम लोग वॉश कर रहे हैं इसको। अच्छी तरह से हम लोग पेट्रोल से इसको धोएंगे जिससे हमारा मोटर पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ हो जाए।
मोटर का जो सेंसर चेंज होता है, जैसे सेंसर में जो प्रॉब्लम आता है पानी का घुस जाने से हमारा मोटर सेंसर ख़राब हो जाता है, या गियर वेल के भी घुस जाने से मोटर का सेंसर ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारा जो सेंसर है ये ख़राब नहीं हुआ है अभी। लेकिन कभी कभी पानी के घुस जाने से मोटर में जैसे सेंसर प्रॉब्लम आता है और उसे सेंसर ख़राब हो जाता है, तो उस वाला वीडियो भी हम लोग जो है पहले बना चुके हैं हमारे चैनल में, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि मोटर का सेंसर कैसे चेंज करें। कभी भी दोस्तों मोटर में पानी या गियर ऑयल या कुछ भी घुस जाता है गंदा डस्ट, तो उसको एक बार साफ पेट्रोल के से साफ ज़रूर करें, जिससे मोटर का आपका जो आयु है एज है वो बरकरार रहे और मोटर आपका अच्छी तरह से चलते रहे। इसको हम लोग अच्छी तरह से पूरी तरह से पेट्रोल साफ करेंगे। इसमें दोस्तों किरोसिन से आप जो है साफ इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किरोसिन को सूखने में टाइम लगेगा और ये जो पेट्रोल है ये जल्दी ही सूख जाता है, इसलिए हम लोग मोटर को पेट्रोल से वॉश करते हैं। अच्छी तरह से इसको जो है धोना है दोस्तों पेट्रोल से। देखिए आप दोस्तों कितना साफ हो चुका है मोटर, और हमारा मोटर पूरी तरह से साफ हो चुका है और जितना भी गियर ऑयल है वो सारा निकल गया है। पेट्रोल से हम लोग इसको जो है धो लिए हैं पूरी तरह से, जो हमारा मोटर साफ हो चुका है। अब इसके जो मैग्नेट जो है इसको भी हम लोग साफ कर रहे हैं, तो इसमें भी गियर ऑयल के रह जाने से थोड़ा पिसल रहा था पूरा, और जो है इसमें इसका भी पावर खो जाने का डर रहता है, इसलिए इसको भी हम लोग जो है पेट्रोल धो लेते हैं। इसमें गियर ऑयल भी लग गया था पूरा, अब देख सकते लगता है कि हमारा मोटर नया हो गया। अभी हम पूरी अच्छी तरह से इसको धो लिए हैं, अब इसको लगा रहे हैं। ये लगाते वक्त दोस्तों बहुत सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी हाथ के बीच में आ जाने से हाथ जो आपका चोट लग सकता है, इसलिए इसको सावधानी से फिट करना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक पावर जो है इसको खींच लेता है। प्लेट को फिट करने में कोई दिक्कत नहीं, प्लेट आप जो है आराम से इसको लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आगे का पोर्शन को ही फिट करने में जो है थोड़ा घिंचता है पावर, जो है मैग्नेटिक पावर खींच लेता है आगे का शाफ्ट को। ये हमारा प्लेट भी जो है अब लग गया है, अब जैसे जैसे इसे खोले थे तो उसी तरह इसको टाइट भी करना है। बस हमारा मोटर जो है अब तैयार हो जाएगा गाड़ी में लग के चलने के लिए। जैसा दोस्तों आदमी नहाता है उसी तरह मोटर का भी नहलाना पड़ता है 3-4 महीना में एक बार, इससे आपका जो है चलते रहे मोटर। और देखिए हमारा जो है पंखा लग चुका है, अब जो है दोस्तों ये हमारा मोटर में जो है चांद लॉक लगा रहे हैं। जो चांद लॉक होता है ये जो पंखा को जो है इसको लॉक करके रखता है कि पंखा खुले ना, उस चांद लॉक हम लोग लगा लिए। अब जो है इसमें हम लोग इसका जो है ढक्कन लगाएंगे, उसका कैप है पंखा का कैप मोटर का लगा देंगे। इसे नट टाइट करना है दोस्तों, इसे खोले थे उसे ही टाइट करना है और कुछ है नहीं। जब भी दोस्तों आपके ई रिक्शा में गियर ऑयल अगर घुस जाता है, ई रिक्शा का जो मोटर रहता है उसमें गियर ऑयल घुस जाता है, और तो इस स्थिति में आप जो है इसको कोई भी लोकल मिस्त्री से खोलवा कर इसको पेट्रोल से वॉश करा ले, क्योंकि ज़्यादा गियर ऑयल के घुस जाने से हमारे ई रिक्शा के मोटर जलने का चांस बढ़ जाता है, इसी के लिए इसको पेट्रोल से एक बार अवश्य धोवाएं। अब हम जो है इस मोटर को जैसे खोले थे इसको गियर बॉक्स में लगा लिए हैं, और पूरी अच्छी तरह से इसमें ऑयल सील जो रहता है गियर बॉक्स में, जो ऑयल सील रहता है मोटर ऑयल सील जिसका साइज रहता है 25-35-7, उसको भी हम लोग नया लगा दिए, क्योंकि उसी कारण से जो है मोटर में तेल घुस रहा था। तो जब भी मोटर को धोवाएं तो उससे पहले जो है मोटर का जो ऑयल सील रहता है गियर बॉक्स में लगा हुआ 25-35-7 नंबर का, उसको ज़रूर ही चेंज करें, क्योंकि उसी कट जाने से हमारा मोटर में तेल घुसता है। धन्यवाद दोस्तों।